शुक्र है इनका तो मसला हल हुआ, जाहिलों ने जान खाई हुई थी। अब क्या हो गया मैडम? होना क्या है काशिफ, ये पास वाली आमना और उसकी सास का झगड़ा चल रहा था, भाई बड़े लोगों ने समझाया उन्हें, मैंने सुलह करवाई है। माशाल्लाह खैर से। मोटिवेशनल स्पीकर जो ठहरी हैं आप। वो तो मैं कॉलेज दौर में हुआ करती थी, आपको पता है हजारों लोग मेरी स्पीच सुना करते थे, अब तो बस लोगों को अच्छी सलाह मशवरा दे देती हूँ, अल्लाह ने अकल दी है तो लोगों की जिंदगी संवार देती हूँ। मुझे पता है जितनी अकल है ऐवें ही आइंस्टाइन बनती रहती है। आपने मेरे बारे में कुछ कहा है? नहीं नहीं मैं तो पूछ रहा था कि मेके से कौन कौन आ रहा है। अच्छा वो मेरी हुई थी बात उनसे, भाई और भाभी दोनों आ रहे हैं। तो फिर क्या बना रही हो आप उनके लिए? भाभी को पता चला कि मैं पिज्जा बहुत अच्छा बनाती हूँ, इसलिए उन्होंने बोला भाई हम तो पिज्जा ही खाएंगे, इसलिए पिज्जा बना रही हूँ। चलें मैं पिज्जे की तैयारी कर लूँ फिर। काशिप सुनिए ना, मैंने पिज्जे का सारा सामान चेक कर लिया, उसमें सिर्फ मशरूम्स ही नहीं है। तो मार्केट से लाके दें मुझे। ये गांव है, यहां से मशरूम कहां मिलेंगे? इनको तो पता भी नहीं होगा मशरूम होते क्या हैं। तो फिर शहर से लाके दें। खाली मशरूम लेने के लिए शहर जाऊं? पता भी है आने जाने में कितना टाइम लग जाएगा। मैंने प्रॉपर्टी के सिलसिले में कहीं काम जाना है, मैं पहले ही लेट हूं। तो मशरूम्स के बिना पिज्जा कैसे बनेगा? अब मशरूम नहीं डलेंगे तो पिज्जा बनेगा ही नहीं क्या? अच्छा अगर फिर भी गुजारा नहीं ना होता तो पीछे झाड़ियों में चली जाओ, वहां जंगली मशरूम लगे हुए हैं, वो उतार के डाल दो। हाँ आपने एवी मुझे तंग ना किया करे, मुझे सारा पता है, जंगली मशरूम जहरीले होते हैं, अगर किसी को फूड पॉइजनिंग होगी तो। बेगम तुम्हारा भाई अब शादीशुदा है, जहरीली बातें सुनने का आदी हो चुका होगा, कुछ असर नहीं करेंगे ये जहरीले मशरूम। मैं पहले ही बहुत लेट हूं, मैं जा रहा हूं, तू जाना तुम्हारा पिज्जा जाना। मशरूम के बिना पिज्जा कैसे बनाए? भाभी ने इतनी तारीफ सुनी है, पहली मर्तबा खाना है उन्होंने, क्या सोचेंगी वो, अब मशरूम कहाँ से लाऊं? यहाँ पर तो सिर्फ जंगली मशरूम्स ही हैं। मामा जी बेटा, अपने डॉगी को ये बिस्किट डाल लूं? हाँ डालो। टॉमी ये ठीक है, मशरूम्स ले आती हूँ, पहले टॉमी को डाल देती हूँ, अगर वो ठीक रहा फिर पिज्जे में डाल दूंगी, पता चल जाएगा जहरीले हैं कि नहीं। मशरूम्स के बिना पिज्जा बना दिया तो मुझे सियानी किसने कहना है फिर। ये ठीक है, चार घंटे हो गए हैं टॉमी को मशरूम डाले, टॉमी तो ठीक है, इसका मतलब है मशरूम जहरीले नहीं है, डाल दूं पिज्जे में। मशरूम के बिना पिज्जा क्या बनना? हाँ
आखिर मोटिवेशनल स्पीकर जो ठहरी। मम्मा जी बेटा तो मेरे को पहले जो बेटा आपके मामू आए हुए हैं, अंदर बैठे हुए हैं, पिज्जा भी रेडी हो गया। मामू मुझे भूख नहीं, मैंने अभी पिज्जा नहीं खाना। अच्छा चलो ठीक है। वाह पे बहुत अच्छा पिज्जा बनाया आपने, मजा आ गया। जियो हजारों साल। वाकई आपे पिज्जा बहुत मजे का बनाया आपने, सब सच ही कहते थे। थैंक यू बाबूजान। और कुछ लाऊं आपके लिए? कोक नहीं पड़ी? पड़ी है, मैं अभी लेके आती हूँ। ठीक है। जी बेटा। अरे तुम ही मर गया। मम्मा वो ना। चल ठीक है तू अंदर जा। मेरा टॉमी। इसका मतलब है मशरूम जहरीले थे। भाई भाभी ने मशरूम्स वाला पिज्जा भी खा लिया। टॉमी की तो खैर है, भाईजान का तो कुछ करो। हेलो डॉक्टर साहब, मैं आफिया बात कर रही हूँ। डॉक्टर साहब आप जल्दी से आ जाएं, मेरे भाई भाभी ने कुछ जहरीली चीज़ खा ली है। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर साहब, आप जल्दी आ जाएं। ठीक है, कुछ नहीं होगा भाईजान, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैंने डॉक्टर को फोन किया। उल्टी करें, उल्टी करें, आप भी उल्टी करें। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों के मैदे वाश कर दिए गए हैं, अब खतरे की कोई बात नहीं है। ये तो अच्छा हुआ अपने टाइम पे कॉल कर दी, अभी पिज़्ज़ा खाए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। थैंक यू डॉक्टर साहब। ओके मैं चलता हूँ। जी महंगी पड़ गई ये तो दावत। क्या कर कर के मेरा तो बुरा हाल है, मेरी तो आंतड़ियां खींच रही हैं। उफ इतनी अज़ियतनाक दावत। बेगम आ गए आप? खैरियत तो है, मैंने डॉक्टर इकबाल को जाते हुए देखा। आपने मुझे बोला था ना जंगली मशरूम पिज्जे में डाल दो, मैंने डाल दिए, भाई भाभी ने वो पिज्जा खा भी लिया। वो मशरूम जहरीले थे, इन दोनों के मैदे वाश करवाए हैं मैंने। ओ अल्लाह की बंदी, मैंने तो मजाक में कहा था कि जंगली मशरूम पिज्जे में डाल देना, तुमने सच में डाल दिए। वैसे तो खुद को बड़ी सियानी समझती है, तुम किसी से पूछ नहीं सकती थी कि जंगली मशरूम जहरीले होते भी हैं या नहीं। मैंने टेस्ट किए थे। क्या मतलब? मशरूम्स लाके मैंने पहले टोमी को डाले थे, 4-5 घंटे मैं उसको देखती रही, वो ठीक रहा, मैंने मशरूम पिज्जे में डाल दिए, फिर टोमी मर गया। है? मम्मा जी बेटा, लोग कितने पता दिल वाले होते, जिन्हें मारे टोमी को गाड़ी के नीचे दिया था, वो 1 महीने के लिए भी रुका। क्या टोमी गाड़ी के नीचे आके मरा था? हाँ मम्मा। इसका मतलब है मशरूम जहरीले नहीं थे। ओ अल्लाह की बंदी, पहले तहकीक तो कर लेती कि टोमी मरा कैसे है, तुमने पकड़कर दोनों के मेदे वाश करवा दिए। अकल नाम की कोई चीज है कि नहीं तुम्हें? खुद को जितना सियानी समझती है ना उतनी तू है नहीं है, मोटिवेशनल स्पीकर। आप खुद को कितना भी जहीन, मामला फहम, समझदार और होशियार समझे, लेकिन कोई भी फैसला करने से पहले सामने वाले की पूरी बात सुन लेने में कोई हर्ज नहीं होता। किसी भी नतीजे से पहले तहकीक कर लेना जरूरी होती है। वो कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा लेट होता है।